हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि 60 मिनट में, सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट में कैसे आप एक लंच थाली रेडी कर सकते हैं, जिसमें दाल तो हमने सिंपल ही रखी है अरहर मलका की, लेकिन हमने साथ में पनीर की बढ़िया सी सब्जी रखी है मसाला पनीर की। तो इन सब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, किस तरीके से एक घंटे में आप मैनेज कर सकते हैं वो शेयर करने वाली हूँ। जैसे आपके घर अचानक कोई आ जाए और आपको लंच तैयार करना है वो भी एक घंटे में, तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो गैस पे दाल चढ़ा दी है ताकि उसमें सीटी वगैरह लग जाएँ, फिर उसको हम तड़का लगा दें, क्योंकि वो टाइम लेगी और उसमें ऐसा कुछ काम भी नहीं है, धोकर सिर्फ चढ़ाना ही है। और साथ में जो है मैं प्याज वगैरह काट रही हूँ, जो भी दाल के लिए चाहिए या जो भी मुझे मसालों के लिए चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे मैं ये पनीर की सब्जी के लिए बना रही हूँ पहले पेस्ट, जिसमें मैंने हरी मिर्च ली है, अदरक का टुकड़ा लिया है, प्याज लिया है और साथ में ये लहसुन की कलियाँ ली हैं 8-10, और साथ ही साथ मैंने काजू को और मगज के बीज, जो खरबूजे के बीज होते हैं, उनको भिगो दिया था, वो रखे थे मेरे पास दोनों चीज़। तो इस वजह से दूसरा, काजू और मगज के जो बीज होते हैं उनसे टेस्ट थोड़ा और अच्छा आता है, थोड़ा नहीं मैं कहूँगी बहुत अच्छा आता है, शाही हो जाती है आपकी सब्जी। तो सारी चीज़ों का अब मैं पेस्ट बनाऊंगी, लेकिन इतना याद रखें कि आधे घंटे पहले आपको काजू और मगज के बीज को भिगा देना है, आधे घंटे बाद फिर प्याज वगैरह आप काट के मिक्स करके सारी चीज़ों को फिर पेस्ट बना लेना है। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, सबसे पहले हम पनीर की सब्जी ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये हमारा घी गर्म हो गया है, तो हमने इसमें लौंग, काली मिर्च और हरी इलायची डाल ली है। मेरे पास यही खड़े मसाले थे तो मैंने यही डाले, अगर आपके पास तेज पत्ता है तो आप वो भी डाल सकते हैं, दालचीनी भी डाल सकते हैं, बड़ी वाली काली इलायची भी डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में खड़े मसाले हैं वो डाल दीजिए। जीरा मैंने नहीं डाला है, और साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दिया है जो पेस्ट रेडी किया था वो, और वो पेस्ट हो भी चुका है, जो प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च काजू और मगज के बीज का था। तो जब वो पेस्ट हो गया, 3-4 मिनट तक पकाया मैंने उसको, तो उसमें मैं अब डाल रही हूँ सूखे मसाले, जिसमें मैंने 1 चम्मच भर के रंग वाली जो लाल मिर्च होती है वो डाला है, हल्दी डाला है, जीरा पाउडर डाला है, और जो रोज़ खाने वाली लाल मिर्च होती है वो डाली है। अगर आपके पास धनिया पाउडर है तो वो भी आप इसमें अभी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था, ख़त्म हो रहा है मेरा, तो मैंने नहीं डाला क्योंकि था ही नहीं। तो मसालों को डाल के मिक्स किया और मसाले देखा अपने अच्छे से भुन गए थे और तेल भी छोड़ रहे थे, तो टमाटर का पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया है। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको रखा होगा 4-5 मिनट तक, प्लेट ढक दी थी, बीच बीच में चलाती रही और आपने देखा कि किस तरह से जो घी है वो अलग हो रहा था मसालों से। तो इसी टाइम पे हमें इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, सब्जी को हम बना रहे हैं पनीर बटर मसाला कह लो, क्योंकि मैंने घी लिया है बटर नहीं लिया है, या पनीर मसाला कह लो या कुछ भी कह लो, बहुत टेस्टी सब्जी बनेगी, आप ट्राई करना। तो एक टाइम की 1 किलो के दूध की सारी मलाई मैंने इसमें डाल दी थी, और मलाई डाल के मैंने इसको चला लिया है, और चलाने के बाद मैं थोड़ा सा इसको ढककर छोड़ दूंगी जब तक के मलाई से हमारा घी अलग नहीं हो जाता है, मतलब कि मसाले अच्छे से पकने की निशानी होती है कि मसालों से घी अलग हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो ग्रेवी है बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है, और अब इसमें टाइम आ गया है पानी डालने का। तो एक पूरा जो ये मेरा कप है पिंक वाला, ये मैंने इसमें डाल दिया है, और ये डालने के बाद मैं इसको ढक दूंगी ताकि ये अच्छे से हो जाए, ढककर चीज़ें अच्छे से होती हैं। तो ढक दिया था और एक ही कप डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि हमें ये जो पनीर की सब्ज़ी है ये पतली नहीं बनानी है, ये गाढ़ी गाढ़ी रखनी है। तो इसमें मैंने अभी जो है पनीर भी डाल दिया है, क्योंकि जो पानी था वो अच्छे से हो चुका है। तो ये पनीर डालने के बाद मैं इसको फिर से ढककर छोड़ दूंगी ताकि इसमें फिर से उबाल आ जाए, लेकिन हाँ पनीर को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, 3-4 मिनट बस। तो यहाँ पे जो है लगभग 1.5-2 मिनट हुआ होगा पनीर जो है डाले हुए और उबाल भी आने लगा है। तो अभी इसमें बारी आ गई है कसूरी मेथी डालने की, और मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, 1 चम्मच के करीब मैंने ली होगी कसूरी मेथी। आप ज़रूर से ट्राई करें, आप लोगों को खाने में बहुत टेस्ट आने वाला है, आपको अच्छा लगने वाला है, तो इसीलिए ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दी है, मेरे पास धनिया होता तो मैं धनिया भी डालती, और दोनों चीज़ भी आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कसूरी मेथी डालोगे तो धनिया नहीं डाल सकते, धनिया डालोगे तो कसूरी मेथी नहीं डाल सकते, दोनों चीज़ों का अलग अलग टेस्ट है। आप रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, जहाँ भी खाना खाते हैं उस खाने में, उस एक हर एक सब्जी में कसूरी मेथी ज़रूर होती है बाहर के खाने में, क्योंकि उससे खुशबू भी आती है, कई बार धनिया का भी काम कर देती है अगर आपके पास धनिया नहीं है, और स्वाद भी आता है।
तो यहाँ पे देखिए हमारी सब्जी जो है बन चुकी है। अब मैंने इसको दूसरे बर्तन में खाली कर लिया है क्योंकि हमें वो कढ़ाई दाल छौंकने के लिए भी चाहिए, तो बहुत जल्दी जल्दी बनाई है। साथ में जो है मैंने आटा भी गूंद लिया था इसी बीच जितना तक मसाला हुआ। तो क्रीम हमारे पास नहीं थी जो अमूल की फ्रेश क्रीम होती है, तो हमने क्या किया थोड़ा सा पनीर वो सॉरी थोड़ा सा मलाई लिया, उसको फेंटा और उसको इस तरीके से इसके ऊपर डाल दिया है। और ये सब्जी मैं साइड पर रख देती हूँ, दूसरी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे जो है गुड्डू आ गई थी कि मम्मी मुझे कुछ बता दो, मुझे भी कुछ करना है। मैंने कहा तो अच्छी बात है, उसको वैसे भी इस तरह के काम अच्छे लगते हैं। मतलब मैंने उसको बुलाया था सलाद के लिए कि सलाद काट दो, उसने कहा नहीं मैं कुछ और भी कर दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है फिर रायता बना दो। तो दही दे दी थी मैंने उसको डाल के बाउल में, उसमें जो है मसाले ऐड कर दिए हैं मैंने, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा पुदीना डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया है, काला नमक डाल दिया है, और साथ में अब मैं इसमें बूंदी डाल रही हूँ। बूंदी का रायता ऐसा होता है कि बहुत फटाफट बन जाता है। अगर आप इस रायते को रिप्लेस करना चाहते हैं वेजिटेबल रायते के साथ, मतलब खीरे के खीरा प्याज टमाटर के रायते के साथ, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और बूंदी का रायता वैसे सबको पसंद भी होता है। तो ये बूंदी का रायता भी बन गया है हमारा। तो यहाँ पे हमने कुकर चढ़ा दिया है, चावल को छौंक रहे हैं हम। दूसरा कुकर यूज़ किया है क्योंकि उस कुकर का वेट करते तो थोड़ा टाइम लग जाता। तो चावल आज मैं जो है प्लेन नहीं बना रही हूँ, जीरा राइस बना रही हूँ। और साथ में जो है मैंने उसमें चावल भी डाल दिया है क्योंकि तेल में जीरा डाला तो जीरा हो गया था, फिर चावल डाल दिया। आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास पड़े हैं तो, बहुत ही 3-4 चम्मच मटर के डाल दो, बहुत अच्छे लगेंगे दिखने में जब आप ढक्कन खोलेंगे। और साथ में जीरे के साथ साथ आप इसमें छौंक में जीरा डालेंगे तो उस वक्त तेज पत्ता भी डाल सकते हैं, लौंग भी डाल सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से रखना है, किस तरीके से खाते हो आप। तो अभी जो है सेम कढ़ाई को साफ होने के बाद मैं इसमें दाल को तड़का लगा रही हूँ। तो मैंने जीरा डाला, जीरा तड़का, उसमें मैंने साबुत लाल मिर्च भी डाल दी है और हरी मिर्च और प्याज भी डाल दिया है। तो मसाला हो चुका है, तो अभी बारी आ गई है इसमें टमाटर डालने की। बहुत जल्दी जल्दी लग रही थी मुझे, मुझे ये था कि बस लंच तक जो है खाना रेडी हो जाए। मैं लगभग 12:15 बजे के करीब लगी थी खाना बनाने के लिए। 1-1.5 बजे तक खाने पे वो लोग बैठ गए थे। पूरा 1 घंटे में खाना मेरा रेडी हो चुका था। खाने को परोसने में भी टाइम लगता है तो वो टाइम तो हम खाना बनाने में नहीं गिनेंगे। तो इसमें मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है और साथ में कसूरी मेथी भी डाल दिया है क्योंकि धनिया नहीं था। और दूसरा, कसूरी मेथी से स्वाद बहुत अच्छा आता है, मैं कहूँगी कि ट्राई ज़रूर करिएगा। तो दाल डाल दी थी जो हमने सीटी लगा के रखी थी, और देखिए दाल भी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। मुझे नहीं पता था वो लोग जो है कल आने वाले हैं, तो इस वजह से जो है मुझे पीली दाल बनानी पड़ी। अगर मुझे पता होता कि कल हमारे यहाँ कोई आ रहा है लंच पे तो मैं जो है राजमा भिगो देती, मखनी दाल बना लेती या छोले बना देती। तो चलिए आपको दिखाते हैं सारा कुछ एक बार। तो ये है हमारी वो पनीर की मज़ेदार सी सब्जी, ट्राई करिएगा। अगर आप ये ना बोलो कि रश्मि मज़ा आ गया तो बात रही, शर्त के साथ बोलती हूँ ट्राई करिएगा। तो ये बूंदी का रायता है, सब्जी दिखा दी है आपको, अब जो है ये दाल है इधर की साइड, दो चीज़ें रखी हैं मैंने। मुझे ये था कि टाइम पे हो जाए और 1 घंटे में सब कुछ हो, लंच टाइम का था मेन कि लंच तक सब कुछ रेडी हो जाए, उन लोगों को खाना खा के निकलना भी था। तो यहाँ पे सलाद हमने काट लिया है, खीरा है, प्याज है, टमाटर है, नींबू वगैरह डाल लिया, नमक डाल लिया है। पूरी बनाने वाली थी मैं, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया कि हमें रोटी खानी है, पूरी नहीं खानी है। तो इस वजह से फिर जो है मैं रोटी बना रही हूँ। और दूसरा, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ जो गेस्ट आए हैं वो क्या खाने के शौकीन हैं, क्या खाते हैं, क्योंकि जो मेहमान खुश होकर खाए उनको वही खिलाना चाहिए। तो उन लोगों ने पूरी के लिए सख्त मना कर दिया था, तो इसीलिए फिर मैंने रोटी बनाई है। तो बस मैं 2 रोटी बना लूँगी फटाफट से, फिर मैं थाली परोसूँगी। बाकी की रोटियाँ मैं गरम गरम ही देकर आऊँगी थाली परोसने के बाद। तो मैंने ये अपनी प्लेट्स निकलवा ली हैं इनसे, मैंने कहा मैं इसी में दूंगी डिनर सेट की जो प्लेट्स हैं ये। तो वो थाली उन लोगों को खिला दी थी, वो दिखा नहीं पाई थी आपको क्योंकि उस वक्त मुझे जल्दी लगी पड़ी थी। तो ये मैं आपको दूसरी थाली दिखा रही हूँ लगा करके कि क्या क्या था। तो चावल है, सलाद है, 2 रोटी हैं, साथ में दाल है, सब्जी है, रायता है। आप लोग भी आइए, आप लोग भी खाइए। बिल्कुल भी तन्मय, ये रसगुल्ले खा रहे हैं। और अभी जो है दोपहर का टाइम है, खाना पीना सब हो गया है। खाना पीना हुए 1-1.5 घंटा हो गया होगा, किचन वगैरह समेटी, खाना वगैरह बर्तनों में खाली किया, उनको फ्रिज में सेट किया, थोड़ा सा कमरे वगैरह देखे, और उसके बाद मैं आके लेट गई। गैस गंदी पड़ी हुई है, मैंने साफ़ नहीं करी क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी उसको साफ़ करने। आज ना मैं थोड़ा ढीली ढीली हो रही थी, मेरा बिल्कुल, आज मेरे बच्चे भी स्कूल नहीं गए इसीलिए, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पाई सुबह में, थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा था, मैं ढीली हो रही थी।
तन्मय को भी हो रहा है, उसको जुकाम लग रहा है। मेरे को जुकाम खांसी नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे को अजीब अजीब सा हो रहा है, मेरे को नींद सी आ रही है, आलस सा आ रहा है। तो अच्छी बात है कि जब आप किसी के लिए खाना बनाते हो, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए, वो बगैर पूछे तारीफ करें, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो जा चुके हैं भैया और विपिन भी जा चुके हैं काफ़ी देर पहले। ये दोनों अपनी शैतानी में लगे हुए हैं। मैंने सोचा मैं आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ, और अभी जो है मैं आपके पढ़ने वाली हूँ कमेंट्स, तो कमेंट्स पढ़ूंगी और उसके बाद अभी मैं कुछ नहीं करूँगी, अभी लेट ही रहूँगी। तो अभी जो है मैं लेट गई हूँ, और साथ ही साथ मैंने जो है फ़ोन भी चला रखा है, क्योंकि मैं गुड्डू को फ़ोन भी खा रही हूँ, उससे लालच में अपने सर में तेल लगवा रही हूँ, वो लगा देती है। लेकिन आज जैसे मैं कुछ शॉर्ट्स वीडियो चला लूँ या उसको जो पसंद है वो लगा लूँ, तो वो और अच्छे से तेल लगाती है, खुश हो जाती है कि हाँ मम्मी मेरी पसंद का देख रही है। तो बस हम दोनों यहाँ पर फ़ोन देख रहे हैं, गुड्डू मेरे सर में तेल लगा रही है, और साथ ही साथ वो तन में अपनी हरकतें कर रहा है कुछ ना कुछ, तो मैं बीच बीच में उसको भी डांट रही हूँ। और साथ में आपके कमेंट्स भी पढ़े थे मैंने, तो आप लोगों को मेरी साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई, मैं अच्छी लगी आप लोगों को, थैंक यू। कुछ लोगों ने तो मेरी जो है कटिंग की भी तारीफ़ की, जिन लोगों को पहले पसंद नहीं आई थी उन लोगों ने बोला अभी अच्छी लग रही है, तो उसके लिए भी थैंक यू। और विपिन को बर्थडे विश किया सभी ने, उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने बोला आप विपिन से गिफ्ट ले लेती हो, विपिन को गिफ्ट नहीं देती हो, ये वो। तो देखिए हमारे घर में ना शादी आने वाली है मई में, मई के जो है बीच में ही शादी है, तो उस टाइम पे ही हमें शॉपिंग करनी है। उस टाइम पे तो नहीं होगा, शादी से 10-15 दिन पहले शॉपिंग होती है। तो विपिन ने मना कर दिया कि मुझे जब ही दिला देना जो भी तुम्हें दिलाना होगा, तो फिर मैंने कहा ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अभी जो है आजकल हमारे पास टाइम नहीं लग रहा है, जब उनका बर्थडे था 16 को तब जो है सब थे घर पे, तो फिर मैं सबको बीच में छोड़ के बर्थडे के लिए उनके लिए गिफ्ट लेने जाती, अच्छा नहीं लगता है ना। एक दिन पहले हमारे यहाँ वो फंक्शन था, और हाँ उसकी भी बात सब लोगों ने पूछी क्या फंक्शन था, आपने कुछ बताया नहीं, ये वो। तो मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने एक वीडियो का तो टाइटल भी रखा था कि भात नोतने वाले आ रहे हैं, तो हमारे घर पे भात नोतने के लिए आए थे। मेरी जो ननद है उनकी देवरानी आई थी भात नोतने के लिए, और बड़ी बेटी की शादी है। मैंने बताया था, आप लोगों ने शायद ठीक से वीडियो में सुना नहीं होगा, स्किप किया होगा इस वजह से, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट अब तक भी आ रहे हैं कि शादी किसकी है, क्या फंक्शन है। तो हमारे घर में जो है शादी है, और अच्छा लग रहा है क्योंकि शादी की तैयारियाँ अभी शुरू होंगी, शॉपिंग शुरू होगी। क्या आप लोग देखोगे शॉपिंग शादी की? तो बहुत सारी शॉपिंग करनी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी की भी शादी हो शॉपिंग वगैरह करें। और जो है अभी अपने लिए भी लेना है कुछ, और बच्चों के लिए भी लेना है, देने के लिए भी लेना है, और विपिन के लिए भी लिया जाएगा। तो बहुत सारी शॉपिंग होने वाली है अभी हमारे घर में, गोल्ड की भी होगी थोड़ी सी, और मतलब चांदी की पायल वगैरह की भी होगी, तो वो सब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अगर याद रहा तो। क्योंकि कई बार क्या होता है, अभी तक हम शॉपिंग करने नहीं लगे हैं, हम बिल्कुल लास्ट टाइम पे शॉपिंग करने लगे तो फिर दिमाग से निकल भी जाएगा दिखाना। तो अभी तक तो कुछ शुरू नहीं किया है, अभी करेंगे, क्योंकि शादी में अभी जो है 20-25 दिन है। तो मैंने ना डिनर सेट के बारे में पूछा था, कमेंट किया था कि रश्मि तुमने दिखाया नहीं, तो सिंपल सा है। देखो मैं बुरी शक्तियाँ बन गया हूँ, देखो मैं सीन निकल गया सीन। तो ये इसमें इस तरीके से प्लेट्स हैं, और इसी तरीके की इसमें जो है ये कटोरी है, ये एक जो इन्होंने पूरा सेट निकाला था। हाँ लाइट आ रही है क्या? हाँ जी है? ये देखो ये इसी तरह की इसमें कटोरी है, इसमें एक कटोरी का साइज तो ये है, जो 6 कटोरी तो इस साइज की है, और 6 कटोरी इससे थोड़ी सी बड़ी साइज की है, और एक इसमें 2 बाउल है जिसपे इसी तरीके से फ्लावर है, और एक मिनट प्लेट भी ऐसे ही है, 6 है। इनको मैं रख देती हूँ क्योंकि इनका ना बड़ा खतरा सा रहता है, लगती तो अच्छी है पर बहुत ही फूक फूक के यूज करनी पड़ती है, इनको रखूंगी थोड़ा ये सूख जाए। और ये निकाला है सामान, अरे सब्जी फ्रिज में से निकाला ना, देखो कितनी सी सब्जी बची है, बहुत टेस्टी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई ये वाली सब्जी, बहुत ज़्यादा मसाला पनीर, और चावल भी बचे हैं थोड़े से। ये आज मैंने जीरा राइस बनाया था, क्योंकि जब कोई आता है ना तो प्लेन राइस अच्छा नहीं लगता, जीरा राइस अच्छा लगता है, तो ये मैंने चावल बनाए थे, ये भी बचे हुए हैं दोपहर के, और दाल भी बची हुई है, इनमें से यूज होगा।
और रसगुल्ले भी रखे थे ना मैंने, तो उसमें से देखो मेरे बच्चों ने खा खा के 3 बचाए हैं। मैंने बाहर ही छोड़े हुए हैं, विपिन आके खा लेंगे, अब इनको नहीं वो करूंगी। विपिन ऐसे होते हैं ना, हम बच्चों के लिए भी रखते हैं चीजें, जब बच्चे ज्यादा खा रहे होते हैं तो हम पति के लिए भी रखते हैं कि यार अब अपने पापा को खाने दो। आटा लगाना है मेरे को और थोड़ा सा आटा लगा लेती हूँ मैं, आटा लगा लेती हूँ थोड़ा सा। अभी तो इनके आने में टाइम है, मैं थोड़ी देर लेट गई थी, मेरी आंख लग गई है। तो अभी मैंने ना जो चावल बचे थे उनको फ्राई कर लिया है इस तरह से, और ये देखो इनको मैंने फ्राई कर लिया है क्योंकि बच्चों को इस तरह के ना पसंद होते हैं। पहले सोची थी रख दूँ टिफिन में दे दूंगी फ्राई करके, फिर मैंने कहा नहीं अभी दे देते हैं। और इधर मैं रोटियां बना रही हूँ, हॉट पॉट में भी बना के रख दिए और ये तवे पे डाल दिए। गैस आज मेरा देखो गंदा हो रहा है क्योंकि आज मेरा पता नहीं क्यों मन ही नहीं था, मैंने साफ ही नहीं किया। अब करूंगी और उसके बाद जो है अभी आपको मैं एक चीज और दिखाती हूँ। सब्जी थोड़ी सी बची है उसको भी गर्म कर लिया है, इधर ये थोड़ी सी सब्जी बची है इसको भी हमने गर्म कर लिया है। दाल है, दाल को अभी गर्म करेंगे। सब्जी मेरे बच्चों को इतनी पसंद आई है, बोल रहे बस सब्जी खानी है फटाफट, रोटी सब्जी दो और थोड़े से राइस दे देना जो फ्राई किए ये हो गए होंगे गर्म, तो वापिस से उसकी बाउल में निकाल के देखो वो आ गया उसको लग रहा है रोटी दो जल्दी मम्मी देती हूँ। मैं इनका इंतजार कर रही थी, ये भी आ गए हैं और लगभग 9 बजने का टाइम होगा, या बज भी चुके हों कह नहीं सकते, वैसे बज गए होंगे क्योंकि ये 8:30 के बाद ही आए थे, बच गए ना, दिखा कर आओ क्या टाइम होगा फिलहाल। 9:25 साढ़े दस बजे के करीब बज रहा है और हम 9:45 बजे के करीब निकले थे घर से मासी से मिले और अभी जो है वापस घर जा रहे हैं। बच्चों का भी दिल हो रहा था बच्चे तो खुश हो जाते हैं तुरंत, हाँ दादी दादू के पास जाना है और अभी जो है मिलके वापस जा रहे हैं हम लोग घर। खाना खाया सीधे निकल गए थे खाना खा के कि चलो चलते हैं, विपिन भी बोल रहे थे कि हाँ चलो चलते हैं, मैंने कहा चलो फिर चलते हैं, थोड़ी सी दूरी है 5 मिनट गाड़ी से, तो 5 मिनट पैदल से टाइम लगेगा। मम्मी तो हाँ बेटा मैं गाने चला सकता हूँ, हाँ चलाओ गाने, चलाओ गाने चलाओ तुम। तो चलिए यहीं पर हम इस वीडियो का एंड कर देते हैं, कल फिर मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।